मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। सर क्या कहेंगे आज राग रागिनी कला फाउंडेशन में मुझे इनवाइट किया गया था शो देखने के लिए, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि रागिनी मिश्रा जी ने बहुत अच्छा ट्रेन किया है बच्चों को और बहुत सारे टैलेंट्स यहाँ मुझे देखने को मिले एंड आई रियली एंजॉयड द शो। थैंक यू। आपने भी आज गाना गाया है और बड़े बड़े फिल्म और कुछ नया आने वाला? रिसेंट तो मणिकर्णिका था और लेट्स सी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने किए हैं जो इस साल रिलीज होंगे और लेट्स सी कौन सा पहले रिलीज होता है, तो पहले नहीं बता सकते कि क्या रिलीज होने वाला है। कैसे डांस लगा? बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ग्रेसफुल था उनका डांस और बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत आंखों को सुकून मिला, बहुत अच्छा पीसफुल डांस था उनका। थैंक यू वेरी मच। तन्मय मिश्रा नाम मेरा हुआ, ऐसे तो मैं तो राष्ट्रीय अवार्डी हूँ लेकिन मुझे रागिनी जी ने मुझे बुलाया और अच्छा लगा यहाँ के, काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं रागिनी जी, बहुत अच्छा बच्चों को सिखाया है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही डांस का और हमारा जो संस्कार है, जो संस्कृति है, ऐसी बढ़ता रहे और खूब नाम हो, यही हमारा भारत है। जय हिंद, जय भारत, जय संगीत। मैडम डांस कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे शो देखकर, एक देखा कि कला के प्रति कितना लोगों के अंदर जुनून है, ये मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिला आज। और सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ ये देखने को मिली, एक कलाकार जो काफ़ी समय पहले बचपन में सीखा, फिर काफ़ी समय के बाद गैप हो गया उसके बाद आता है, फिर वैसे ही परफॉर्म करता है जो एक परफॉर्मर कैरेक्टर में तो करना चाहिए, तो ये बहुत कुछ देखने को हमें भी सीखने को मिलता है, औरों को भी और लोगों को भी सीखने को मिलता है। एक मैसेज आता है कि कला को करने के लिए, कला को सीखने के लिए कि कोई उम्र नहीं होती है। आप कितने साल से कर रहे हैं? मुझे 15 साल हो गया है, मैंने बहुत मतलब बचपन से स्टार्ट किया था। रागिनी जी का नृत्य कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया उनके। हाँ बस अपने मतलब दर्शकों को ये जरूर कहना चाहेंगे कि कला को है, कला को कला के प्रति सीखे, कला एक बहुत सुकून देती है व्यक्ति को, एक बार कला में लग जाता है फिर वो उसको दुनियादारी हर चीज़ वो मतलब भूल जाता है। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप कला सीख रहे तो प्रॉपर रियाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ प्रोग्राम हुआ, बच्चे थोड़ा रियाज कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे अच्छा करियर है तो उनको शुभेच्छाएं देंगे हम लोग। धन्यवाद। बहुत बढ़िया रागिनी मैडम का, बहुत बढ़िया। मैं बहुत साल से हम लोग के 15-16 साल से हम लोग के संबंध है, तो दिन ब दिन उनकी कला और बहुत अच्छी तरह से खेल रही है, अच्छी तरह से रियाज कर रही है, उनको भी शुभेच्छाएं। मैंने रागिनी जी के साथ अभी स्टार्ट करा है सारंगी, बहुत दीदी बहुत मेहनती हैं, बहुत रियाज करती हैं, तो मैं अभी जुड़ा हूँ, मैं भी और उनके साथ रियाज करूंगा तो और मजा आएगा। इस तरह के जो नए लड़के सीखना चाहते हैं सारंगी, यानी सारंगी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कोई आजकल सीख नहीं रहा है, तो इसमें स्कोप तो बहुत है सारंगी में, ये सीखना चाहिए क्योंकि इसमें पेशेंस बहुत चाहिए, बहुत हार्ड इंस्ट्रूमेंट है, तो ये सीखने चाहिए, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पहली बार उनका लाइव परफॉर्मेंस देखा, बहुत मजा आया देख के। राग रागिनी कला ऐसी है जो बच्चे को बर्ड्स को जो है बढ़ने का मौका देती है, और बहुत ही उम्दा कलाकार है यहाँ पे, उसमें से एक मैं भी हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया, तो इस तरह से मैं भी अभी सीख भी रही हूँ और मैं दे भी रही हूँ, और बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो आजकल बहुत ही रेयर है, और वापस वो समय आ गया है जहाँ पर ये कलाओं का लोग अभी वापस से ये सुनना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही रेयर कला है ये, तो हमें लगता है कि बच्चे को ये पूरे ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट है, वोकल है, डांस है, ये वापस सीखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे कल्चर, हमारे हर चीज़ों को स्ट्रांग बनती है और इन चीज़ों का डिमांड भी बढ़ गया है। गार्जियन जो बच्चों को सिखाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मैं समझती हूँ वो पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हैं जो कला को समझते अपने बच्चे को प्रेरित कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कला जो है बेस्ट चीज़ है, जो कलाकार है वो कभी भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो सकते, क्योंकि कला जो है एक तरह से योग है जिसे हम अच्छे से उसको ये कर सकते हैं, हैप्पीनेस रख सकते हैं।
मंच परिवेश का तो ये तीसरा साल है, और ऐसे तो हमारा एनुअल फंक्शन हर साल होता था, अभी हम थोड़ा अलग अलग तरह के कार्यक्रम करते हैं, जैसे संगीत बैठक है, एनुअल डे है, और मंच परिवेश. मंच परिवेश बीए की छात्राओं के द्वारा होता है. हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े भरतनाट्यम कैसे इकट्ठा कर लेती हैं? भरतनाट्यम नहीं, सॉरी, कथक. कथक कथक है ये. और जो बस जो मुझसे प्यार करते हैं इकट्ठे हो जाते हैं. आज कौन कौन से आपके गेस्ट आए हुए हैं, नाम बताएंगे? हाँ, हमारे गेस्ट हमारे तन्मय मिश्रा जी, चेतन सरैया जी, हमारे गुरु अखिलेश चतुर्वेदी जी, रवि मिश्रा जी, हिमांशु शुक्ला जी, और आज हमारे पतिदेव अवधेश मिश्रा जी नहीं आ पाए क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई अचानक. और मंच परिवेश कर रहे हैं? नहीं, घर का मंच परिवेश कर रहे हैं. अच्छा, आज आठ बच्चों का आपने मंच परिवेश किया, उनका नाम बताएंगे जरा? हाँ बिल्कुल बताऊंगी. राशि रनानवरे, बहुत टेढ़ा नाम है. संगिनी डाटे, हमेशा डांट के मुझे बोलती है. स्वरा भाड़सोड़े, बट स्वरा भंडसोड़े, बट स्वरा बहुत मधुर स्वर में बोलती है. आस्था, रियली में आस्था है, एक विश्वास है. लिशा आगामी डॉक्टर है. साक्षी मिश्रा अवधेश मिश्रा जी की बेटी है, मेरी तो शिष्य है. मेरी तो शिष्य है. मेघना झा, बहुत अच्छा एंकरिंग किया आपने. हाँ, ये भी मेरे घर की सदस्य है और मेरी बेटी है अभी फिलहाल. खुशी सिंह, प्रियंका सिंह जिसका पेट नेम खुशी है और हमेशा खुश रहती है. दिशा हमेशा सही दिशा में चलती है. और एक क्षितिजा जो बहुत ही मतलब इसके अंदर एक कलाकार उभर के आ रहा है और बहुत खुश कर रही है अभी अपने रियाज से, अपने डांस से. तो हमारे सारे बच्चों को बहुत बहुत खुशी. मैम के बारे में जानना चाहूँ, कितने साल से आप सीख रही हो, कैसा लगा आपको? मैं 9 साल से सीख रही हूँ कथक. आपको 8 साल की लग रही है? 15 साल की हूँ. मैं 9 साल से कथक सीख रही हूँ. और कुछ कहना चाहेंगे मैम के बारे में? हम तो मैम इसके बारे में. अच्छा, मम्मी प्यार ज्यादा करती है कि मैम ज्यादा करती है? मैम, नो डाउट, मैम ज्यादा प्यार करती है. आप कुछ कहेंगे मैम के बारे में? मैम बहुत अच्छी है, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी है. उन्हें मेरे को बोलो मत आएगा. आप कितने साल से सीख रही हैं? मैं कथक 8 साल हो गए मेरे को, 9वां साल चल रहा है मेरा. मतलब 9 साल से मैम के साथ इतना अच्छा जर्नी रहा है मेरा. मैम ने बहुत मुझे बहुत एनकरेज किया ये सब करने के लिए. मैं पहले मतलब बहुत डल थी. आपकी फैमिली कितना सपोर्ट करती है सब सीखने में? मेरे मॉम डैड बहुत सपोर्ट करते. मेरे मॉम डैड तो बोलते अगर आगे डांस में जाना है तो कोई मना नहीं है, और करो, अच्छे से करो बस. आप इनकी पुत्री हैं या आप इनकी क्या बोलते हैं, स्टूडेंट हैं? वैसे पहले तो मैं बेटी हूँ मम्मी की, और इसके पहले तो मैं स्टूडेंट थी नहीं. मतलब मैं कुछ जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तब से मैं सीखना शुरू की. तो पहले मुझे डांस का एकदम शौक नहीं था, कि डांस बहुत बेकार चीज़ लगती थी. पर धीरे धीरे करके मम्मी ने मतलब मुझे ये एनकरेज किया कि अच्छा है, करो. फिर मुझे भी लगता था मेरे अंदर, और बचपन से जो देखने की आदत हो गई कि कौन कैसा करता है, तो मेरे लिए बेसिक बहुत इजी था. तो उसी से मैं भी मतलब इतने साल तक. मम्मी ने जितना संघर्ष किया बचपन से लेकर अभी तक, आपको उतना करना पड़ा या कुछ एक्स्ट्रा कर रही है? नहीं, मम्मी ने मुझे इतना हेल्प किया कि मुझे कोई मेहनत की जरूरत ही नहीं है. पापा के बारे में कुछ कहेंगे? पापा और मम्मी दोनों ने स्टार्टिंग से एकदम स्ट्रगल किया है, पर वो चाहते हैं कि अपने बच्चे की लाइफ ऐसी स्ट्रगल में ना जाए. तो वो भी वही चाहते हैं कि जो सेटल हो तो सेटल से ही शुरू करें, मतलब स्ट्रगलिंग इस फेस में ना. क्या सपना है, क्या बनना चाहते हैं भविष्य में? कुछ नहीं, बस मम्मी पापा को कुछ करना है, और कोई सपना नहीं है. डॉक्टर इंजीनियर कुछ नहीं? नहीं, डॉक्टर इंजीनियरिंग नहीं करना. 9 साल से डांस सीख रही हूँ, एंड मैम तो लाइक मम्मी जैसी है. मम्मी जैसी? डांटती नहीं आपको? डांटती है, लेकिन हमारे अच्छे के लिए डांटती है ना, हम उनसे इम्प्रूव होते हैं. तो आप घर में जो मम्मी है वो क्या करती है? मम्मी भी डांटती है, लेकिन मिस डांट
डांटती है ताकि हमारा डांस इम्प्रूव हो, हम अच्छे चीजें सीखे, मम्मी जैसी, इसीलिए तो बोला मम्मी। आपके जो दोस्त हैं वो आप ये जो करती हैं उससे खुश हैं, कुछ कहते हैं इसके बारे में? हाँ, कथक काफी लड़कियां या लड़के सीखने नहीं सीखते हैं, आज जो समय चल रहा है तो उसके विषय में आपके जो दोस्त लोग चर्चा करते हैं क्या कहते हैं? नहीं, सब अच्छा ही बोलते हैं। हाँ, तारीफ करते हैं। थैंक यू। क्या नाम आपका? आस्था। आस्था जी, क्या आपकी आस्था है बताइए? किसके में ज्यादा आस्था है आपको, कथक में या आज के बॉलीवुड में? कथक। कथक में कितने साल से आप सीख रही हैं? मैं ये 9वां साल से है अभी, मैं जब से 3 साल की थी तब से सीख रही हूँ। मैम ने बड़े अच्छे से सिखाया है सब, मैम ने एकदम अपने बच्चे जैसे ही हमें सिखाया है, डांटा भी तो हमारे अच्छे के लिए डांटा, सब अच्छे से सिखाया है उन्होंने। आपका क्या सपना है, बॉलीवुड में जाना है? नहीं, अब तक डिसाइड नहीं किया। और कुछ क्या क्या बनना चाहती भविष्य में? डिसाइड नहीं किया है अब तक। कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम बताइए? अच्छा लगा, मतलब मुझे आज तो आपको स्वयंवर भी हुआ है। शादी हुई है। नहीं, कितना मजा आया बताइए, इतने साल सब सीख रही हैं। मजा मुझे, मतलब मुझे पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, अभी अभी भी उसने बहुत इंकरेज किया है मुझे, लास्ट मोमेंट तक इंकरेज किया है, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मतलब माइक के सामने बोलने में। रागनी जी अच्छा सिखाती हैं आपको? हाँ। कोई दिक्कत, कंप्लेन कर सकते हैं? नहीं। क्या नाम आपका? क्या कहेंगे आज, कैसा लगा प्रोग्राम आपको? हमने किया, हमें थोड़ी पता कि हमारा प्रोग्राम, बाकी लोग देख रही है ना, कुछ कहेंगे? सबका अच्छा था। आपका अच्छा नहीं था? था। सब बोला सब में मैं आई। आज मंच प्रवेश हुआ है, कुछ कहेंगे अपने गुरु के बारे में? मिस संगीनी डाटे। संगीनी जी, आप कितने साल से सीख रही हैं? 9 साल से। 9 साल से। कैसा लगा 9 साल में? कभी ऐसा मूड नहीं हो कि छोड़ दे? नहीं, पूरा नहीं। बीच बीच में मूड था, लेकिन मम्मी ने फोर्स करके फिर अभी मेरा दूसरा मंच परिवेश है तो बहुत खुशी हो रही है। और टाइम पे आते हैं सीखने के लिए क्लास में? हाँ हाँ। कभी नागा नहीं करती? नहीं। नाम है? राशि। राशि, कौन सी राशि के आप बताइए? तुला राशि। तुला राशि, बहुत अच्छी बात है। कैसा लगा आपको मंच, सेकंड टाइम मंच प्रवेश करके? बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है मैम के अंडर, इतने साल डांस सीख के आज सेकंड मंच परिवेश करके अच्छा लग रहा है। और कुछ कहना चाहेंगे, क्या बनना चाहती हैं आप? अभी तक ऐसे कुछ डिसाइडेड है, बट इधर डांस और पायलट। किस हीरो की हीरोइन के सबसे ज्यादा डांस आपको पसंद है या करना चाहती हैं उस तरह? बॉलीवुड डांस आई गेस मैं स्वेतलाना तुलसी जी कथक डांसर है, उनके जैसा डांस करना चाहती हूँ। तो आज के जो बॉलीवुड के डांस होते हैं उसमें किसी के नाम बताएंगे? नहीं पसंद है। मतलब है अच्छे, बट वो प्योर कथक उतना नहीं होता जितना एग्जैक्ट क्लासिकल इसमें होता है, सो बॉलीवुड में बहुत चेंजेस होता है। कितना अंतर, दोनों करना कितना कठिन होता है? हार्ड होता है, इतने मतलब प्रैक्टिस लगती है, इतने टाइम लगता है, हार्ड वर्क एंड ऑल। कैसा लगा आपको पूरा कर? काफ़ी पसंद है, काफ़ी जो इस उम्र में जो ये लोग कर रहे हैं काफ़ी डिफिकल्ट है, इतना कठिन है, काफ़ी कठिन होता है ये ताल को समझना, ये रिदम को समझना, इस उम्र में ये कर रहे हैं और सब कुछ इनके बदौलत काफ़ी कठिन होता है, इनके लिए भी कठिन होता है कि इस एज के स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें सिखाना। आप भी सीखते हैं? जी नहीं, मैं नहीं सीखता। आपको किस में इंटरेस्ट है? बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्या जैसे? जैसे खुद के बिजनेसेस है, 2 बिजनेस ओपन किए हैं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। भविष्य में बिजनेस मैन बनना चाहते हैं? जी जी जी। अवधेश मिश्रा जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहूँ मैं कि देखिए, पहली चीज़ तो मेरे डैड है, जैसा आपको सबको पता है, मतलब वो भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री से बॉलीवुड में है, तमिल तेलुगु में उन्होंने काम किया। जी, तमिल तेलुगु में भी काम किया उन्होंने। आप सोचते हैं मेरा बेटा मेरे जैसा कुछ बने? वो भी सोचते हैं, वो भी सोचते हैं, काफ़ी अर्ज भी कर रहे हैं मुझे उनके साथ एक पिक्चर करने का, उनको उनका सपना है कि लाइफ में उनके साथ एक मैं मूवी करूँ। एक स्क्रिप्ट भी लिखी है उन्होंने, बाप बेटे के ऊपर है, बाप स्पोर्ट्समैन रहता है, बेटा स्पोर्ट्समैन रहता है, उसी
एक स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने, तो काफ़ी ड्रीम है उनका कि मैं भी कभी ना कभी इंडस्ट्री में आऊँ, वो एक बार मूवी करूँ, क्योंकि मेरी मम्मी भी कलाकार है, मेरे डैडी भी कलाकार है, खून में मेरी भी कला तो होगी थोड़ी बहुत। तो ज्वाला मंडी सबसे अच्छी लगी, सबसे अच्छी लगी इसलिए क्योंकि एक ही कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर में ज़्यादा डिफरेंशिएशन होता है, बहुत डिफरेंशिएशन होता है, मतलब ज्वाला मंडी में जो डिफरेंशिएशन है कैरेक्टर में बहुत ही ज़्यादा है। जी जी, ज्वाला मंडी में काफ़ी बेहतर लगी वो पिक्चर। देखिए सिनेमा में वो है मेन विलन, एकदम खराब, एकदम जैसा रोल है आप सबको पता है, बट रियल लाइफ में इज़ वन ऑफ द बेस्ट फादर, उनसे अच्छा बाप, मैंने मेरे सारे दोस्त लोग के डैड्स को मैंने देखा है, मैंने डैड्स के बारे में जानता हूँ, काफ़ी चर्चा होती है दोस्त लोग में, बट जहाँ तक मैंने उनको देखा है वो मेरे डैड है, इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा, वो सबसे अच्छे इंसान है, वो सबसे अच्छे पति है, और वो सबसे ही अच्छे बाप है, और जितने अच्छे तीनों हैं उन सबसे अच्छे वो एक बेटे हैं अपने माँ के लिए, माँ की जैसे वो पूजा करते हैं, भगवान उनके लिए एक है, उनसे ऊपर उनके लिए उनकी माँ है, वो बेहद ही अच्छे इंसान है। जैसे मैं हूँ आप समझ लीजिए चैंप हो, एक दूसरा बेटा है घर का। अच्छा। जी हीरा है घर का वो। या सलाम नमस्ते, मैं हूँ रवि यादव, आप लोग मुझे चंबल बॉय कहते हैं, और आज मैं राग रागिनी कला फाउंडेशन में आया हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरी पहली ऐसी जगह है जहाँ इससे पहले मैं कभी गया नहीं हूँ, और आई एम फीलिंग गुड। छोटे बच्चों का जो कत्थक देखा है, रागिनी मैम इस उम्र में भी ऐसा कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, और आई एम फीलिंग गुड, और मुझे यहाँ आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। या कुछ दिन पहले ही मेरी मुलाकात हुई थी, वो भोजपुरी के अमरीशपुरी कहे जाते हैं, और मैं तो नया हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी उनसे मेरी, आई एम फीलिंग गुड एक्चुअली, और उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। या अभी पांचाली फिल्म की है मैंने अजय हीरो में, और इस फिल्म में रानी चटर्जी है मेन लीड हीरोइन, और अभी दो फिल्म और लाइनअप हैं, आपको आगे बताऊँगा। थैंक यू सर। नमस्कार सभी श्रोतागण को, ये कथक जो है एक अलग टाइप का डांस होता है, और जो यहाँ छोटे छोटे बच्चों ने करके दिखाया है, माइंड ब्लोइंग अमेजिंग डांस रागिनी मैम ने जो किया है, मतलब बोल ही नहीं सकते, शब्द नहीं है, और ये जिस तरह से हो रहा है, एक बहुत लुप्त जैसी हो गई थी ये कला कथक, तो मैम इसको बहुत ऊपर तक लेके आ रही हैं, बहुत अच्छा लगा, और परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट, बहुत गुड। इसी के साथ नमस्कार। आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरी रागिनी मैम जो है वो मेरी चाची लगती है, और उनको मैंने बहुत सालों से देखा है, मतलब जितना परिश्रम उन्होंने किया है शायद ही मैंने अपने पूरे लाइफ सर्कल में देखा होगा किसी को, एक बहुत नीचे स्तर से और इतनी ऊंचे तक जाने का बहुत अद्भुत अनुभव होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और सबसे अच्छा मेरी बहन साक्षी जो है उसका परफॉर्मेंस तो अल्टीमेट था, लिटरली कहना पड़ेगा कि मेस्मराइजिंग जिसे कहते हैं वो वर्ड आता है उसकी दम पर। थैंक यू सर। रागिनी के बारे में, रागिनी मैम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैम तो मेरे गुरु हैं, मेरे कथक टीचर है, और साक्षी मैं बोलती हूं चार साल से मैं उनके पास डांस सीख रही हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे पिताजी और मेरी रागिनी मैम एक जगह साथ में म्यूजिक सिखाते थे, फिर उससे अभी छूट गया, लेकिन वापस से मिलन हुआ, ऐसा मिलन हुआ कि अभी वो कभी छूट नहीं सकता। क्या उनमें क्या सबसे अच्छा क्या लगता है? उनका प्रेम का परिभाषा, जिस तरह से वो प्रेम को डिफाइन करते हैं, बताते हैं कि प्रेम क्या है किसी का भी, वो अद्भुत है, वो सबसे अच्छी चीज़। आपका पूरा नाम है क्या है और कहाँ के रहने वाली हैं? मेरा नाम मेघना झा है, श्रीकांत झा, और मैं मेरा जन्म हुआ है मुंबई में, मैं पूरे टाइम मैं मुंबई में पली बढ़ी थी, पर मेरा गाँव बिहार सीता। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.